सुवर्णपुर जिला के 30 बछर पुरिकिना 31 बछर हला हेले आयस तक स्वर्गत बिजु पटनायक कहितिबार बागे किछि कथा पूरा नै हेतिबार अभिजोग करिछन सुवर्णपुर वासी। जिला जेतके विकास करबा कथा सेतके हेनि पारि किंतु जिलार विधायक माने कहुछन सुवर्णपुर ने उन्नति हेछे। देखुनि रिपोर्ट। ১৯৯৩ एप्रिल 1 तारीख बलांगीर जिला ने थिबार सोनपुर के जिला घोषणा करिथिले सेतेबेलर मुख्यमंत्री बिजु पटनायक। 2023 एप्रिल 1 के सुवर्णपुर जिला के 30 बछर पुरिकिना 31 बछर हेला हेले आज तक स्वर्गत बिजु पटनायक कहितिबा बागिर किछे कथा पूरा नै हेतिबार अभिजोग करिछन सुवर्णपुर वासी। पहिला टिके सुनि नेउ। वीर महाराजपुर विधायक पद्मनाभ बेहरा सुवर्ण लोक महोत्सव थी जिला घोषणा बेल के सेतेबेलर मुख्यमंत्री काणा कहिथिले सेटा कहिछन नूतन भावरे ये जिला गठन करैथिले एवं कहिथिले जे सोनपुर को तमे माने दिने निश्चित भावरे सुवर्णपुर रे परिणत करैबो जे आमे केते दूर किबळि भावरे आमर अग्रगति हेछि विकास हेछि ये जिल्लार विभिन्न क्षेत्र रे से मतलब निश्चित भाव में आज आलोचनार कथा एवं समीक्षा करिवार कथा डेवलपमेंट तो आपण माने निजे देखुचन जेनटा भी हेबार अच्छे जेनटा होचे आपण माने निजे देखी पाचन एवं निश्चित भाव मु अतीतरे कहीदली एवं सेटा के फेर रिपीट करजे जे सोनपुर विल बी ए ब्यूटीफुल टाउन इन ओडिसा। मुई सोनपुर के जिला घोषणा करिछे तमे माने सेटा के सुवर्णपुर करबो ताहेले जाईकिना मोर सपन पूरा हेबा। हेले आज तक केते सत करिछन ताकर सपन जिला लोक माने आज भी शिक्षा स्वास्थ्य रास्ता बा गीत मौलिक सुविधा पाई नै पाले। गुटे आड़े जिलार प्रतिष्ठा दिन के धूमधाम ते मनाउछन आर गुटे आड़े 500 नो अतका गां पाइन टिके नै पाई पारबा आर गां मान को रास्ता कथा तो नै कहबा टा भल स्याडे जे खाली बड़बड़ कोठा बने देले जिला आके नै जाय बोली कहिछन बुद्धिजीवी। वर्तमान जिला पुनर्गठन हबार 30 वर्ष पूरी करे 31 वर्ष चालुजे 31 वर्ष भितरे आम 30 वर्ष आगुरु जहाँ थिला वर्तमान सेटा देखबाके नाही मिलबाके। चासी चासर कथा जेन कथा कहू चासी पूरा एकदम निम्नगामी होगलान पूरा तलके तलके पलालान। वर्तमान चासी लगे कौनसी प्रकार व्यवस्था सरकार आज पर्यंत करि नाही पारि। देखुन वर्तमान जेन शस्यटा उत्पादन करूजे चासी तार के रक्षणाबेक्षण करबार लागि बा रखबार लागि कोनोसी प्रकार व्यवस्था आज पर्यंत नाही हे पारि। प्रतिष्ठा दिवस पालन करूजो किंतु तार यथार्थता नाही रहबागे। देखुन आज डेट रे माने केन्दुलीपुर डिविजनल ऑफिस जगह सोनपुर जिला रे नाही पाला किबा एंती देखुन डीआरसीएस ऑफिस भी नाही पाला। तो मोर ओवरऑल कहबाय गले जिला प्रतिष्ठा परे भी आज आमे अंधार रे अछु। 30 वर्ष 3टा दशंधि पार हे गलान आपण देखुन पर्यटन रो मान्यता सुवर्णपुर जिला पाइबार कथा आमे केतेबेळे भी जिल्लावासी नाही चाहि इने गोटे कलकारखाना हो इने आउ इंडस्ट्री हो बा अन्यान्य उन्नति हो इने गोटे ही उद्देश्य थिला जेहेतु सोनपुर होचे पर्यटन रो तार माने पर्याप्त इने भगवान रखि दिछन उपादान अछि। किंतु आपण देखुन पाताली श्रीक्षेत्र हो कि पूजा डुंगरी हो भीमभोइ पीठस्थली हो बा सोनपुर सहर जेते मंदिर मालिनी अछि सबके जदि विकास करा जाय परथिता सबके जदि उन्नति करा जाय परथिता आज सोनपुरी अवस्था रे नै थिता। खाली शिक्षा स्वास्थ्य कि रास्ता नाही से इनो स्पिनिंग मिल थाई किना भी बंद पड़बा लागि लुके काम नै पाइबार जहा लागि निजर अंचल छाड़ी किना बाहर के खटि जाउछन। सेंता जिला सदर महकुमा ने आइस तक बस्टन टे हे नै पाला बहुते पर्यटन जागा थिले भी भित्तिभूमि ठीक नाही न। एबे टिके ई दुरु सुपरे नजर पको इनो हरिहर जो ठेंगो डेम बागि जलसेचन प्रकल्प थिले भी चासिंकर जमी के पाई जुगापार्थी फेल मारी चन सरकार। 30 बछर भितरे गुटे भी गवर्नमेंट कॉलेज नाही थिबार बिलकी केन्दुपत्र डिविजन कि विजिलेंस कोर्ट एंता बहुते जिला स्तरीय कार्यालय भी नाही न। उपरू खाली शहर के सजाउथबार बिलकी भितरु पूरा खाली कहि चन बुद्धिजीवी। सबुथर दुखर विषय सोनपुर महाविद्यालय आज 69 वर्ष होला तार प्रतिष्ठा हेबार सेटा सरकारी हेइ नाही पारला कि गुटे उपाध्युत्तर क्लास भी से कॉलेज रे नाही। सेथरु आपण जानबे जे जिल्लार शिक्षार अवस्था काणा स्वास्थ्य कथा जदि कहबे आमर जेतकि अनुमोदित डाक्तर संख्या रहबा कथा जिल्लार तार अधा अछन एवं दुखर कथा जे आमर जिल्लार वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री अछन। हाँ अवश्य एतिकि जे भौतिक विकास है जे बहुत सरकारी नुआ नुआ कोठा माने तयारी है जे एवं
ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ପାଖେ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲୁନ ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ଆର୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥାକେ ଯଦି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯିବା, ତାହେଲେ ଏଇ 30 ବର୍ଷର ଯୁବକ ପିଲା ଏଇ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେନ୍ ଦେଇକିରି ଗତି କରୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ, ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ହେବା କଥା, ଆଜି ଆମେ 31 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିଛି ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଇଛି, ଆମେ ହରେଇଛୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି 1500 ଲୋକର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଳନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସୋନପୁର ସହରର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଞ୍ଚେ ବି ଜାଗାକୁ, ଜମିକୁ ପାଣି ଜଳସେଚନ କରିପାରୁନୁ। ଅଙ୍ଗ ଆଜି ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ମହାନଦୀ ଶୁଖିକିରି ପଡ଼ିଛି, ଇରିଗେସନର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ଜିଲ୍ଲାକେ 30 ବର୍ଷ ପୁରିକି 31 ବର୍ଷ ହେଲା, ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯେତିକି ବିକାଶ କରିବା କଥା ସେତିକି ହେଇନପାରି। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକମାନେ କହୁଛନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇକର ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।